हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। बिकॉज ऑफ आईआईटी रुड़की, रुड़की शहर काफी सारे स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए, स्पेशली इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए अट्रैक्ट करता है। इट्स ए पीसफुल सिटी, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ के जो दूसरे कॉलेजेस हैं, जो बाकी कॉलेजेस हैं, क्या वो एकेडमिकली स्ट्रांग है कि नहीं, क्या वहां पर पढ़ाई करके आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट मिल सकता है कि नहीं। इसके लिए आज हम रुड़की के एक और कॉलेज को प्रॉपरली स्टडी करेंगे और उसका नाम है रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। 2010 का एस्टैब्लिशमेंट है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहां से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में यूजी एंड पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स। सब्सक्राइब vidya.in। आज की वीडियो में हम आरसी के एफिलिएशंस, रैंकिंग, ऑफर्ड कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, सभी चीजों की बात करेंगे। क्या आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज की फी स्ट्रक्चर या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, डाउटफुल हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। सबसे पहले इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में हम ब्रीफ में जान लेते हैं। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की हरिद्वार कैनाल रोड पर सिचुएटेड है और रुड़की बस स्टैंड से अप्रॉक्स 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। 2010 का एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट कॉलेज है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसके साथ साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है। आरसीई, एआईसीटीई एंड एमएचआरडी अप्रूव्ड है। अगर हम इसके कैंपस की बात करें तो कैंपस काफी डिसेंट है, लगभग 20-25 एकर के एरिया में बना हुआ है। कैंपस में सभी बेसिक एमिनिटीज लाइक वाईफाई कैंपस, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, स्मार्ट क्लासेस, लैब्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम्नेजियम, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिलती हैं। अगर हम इसके रैंकिंग एंड अवार्ड्स की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया एनुअल सर्वे 2022 में इसको टॉप 200 कॉलेजेस में रखा गया है। इसके साथ साथ इसको टॉप 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया की भी रैंक दी गई है। इसके साथ साथ इंडिया टुडे ने इसको बीटेक कोर्स के लिए 184th रैंक दी है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 95th रैंक दी है। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को बेस्ट अपकमिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन उत्तराखंड का अवार्ड भी मिला है। अगर हम इसके ऑफर्ड कोर्सेज की बात करें तो आप यहां से इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, एनिमेशन एंड टूरिज्म की फील्ड में यूजी एंड पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां से आप बीटेक इन सीई, सीएससी, ईसीई, एमई कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1.05 लाख पर एनम की है। और अगर आप यहां से एमटेक कोर्सेज करते हैं तो एमटेक की फीस अप्रॉक्स 80,000 पर एनम की है। इसके साथ साथ यहां के बीबीए कोर्स की फीस अप्रॉक्स 54,000, बी फार्मा की फीस अप्रॉक्स 1,05,000, डी फार्मा की फीस अप्रॉक्स 75,000, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की फीस अप्रॉक्स 47,000, बीएससी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की फीस अप्रॉक्स 69,000, बीसीए की फीस अप्रॉक्स 54,000, बीएचएम की फीस अप्रॉक्स 69,000, बीएचए की फीस अप्रॉक्स 49,000 और बीएससी एनिमेशन की फीस अप्रॉक्स 49,600 की है। अगर आप इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर को डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर हम इसकी हॉस्टल फीस की बात करें तो यहां के नॉन एसी हॉस्टल की फीस अप्रॉक्स 60,000 और यहां के एसी हॉस्टल की फीस अप्रॉक्स 80,000 पर एनम की है। अगर आरसीई के स्कॉलरशिप की बात करें तो आरसीई से आपको काफी अच्छी मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। आपको यहां से लगभग सभी कोर्सेज के लिए मेरिट बेसिस पे 12th के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप यहां से बीटेक कोर्सेज करते हैं तो आपको अप टू 30,000 की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप इसकी फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की। आरसीई का हाईएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 16 लाख का और यहां का लोएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 3.60 लाख पर एनम का है। यहां से अगर आप बीटेक कोर्सेज करते हैं तो ओवरऑल आपको अप्रॉक्स 3-5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। आपको यहां से जेनपैक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, फिंसर, बिल्ला पावर, मुंजाल शॉ, गोल्ड प्लस, एटलस लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकता है।
अब हम बात करते हैं कि आपको यहां पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ओवरऑल देखें तो डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लगभग 11 इयर्स का एकेडमिक एक्सपीरियंस है, फैकल्टीज भी एक्सपीरियंस है, काफी गेस्ट लेक्चर एंड वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, काफी डिसिप्लिन देखने को मिलता है कैंपस में, काफी पीसफुल एनवायरमेंट है, प्लेसमेंट अप्रॉक्स 3-5 लाख पर एनम का है जो और अच्छा हो सकता था। अगर हम इसको फीस के हिसाब से देखें तो यहाँ के बीटेक कोर्स की कंप्लीट फीस अप्रॉक्स 4 लाख की है और यहाँ से आपको 3-5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये एक एवरेज कॉलेज है। आपने जो भी कॉलेजेस की लिस्ट प्रिपेयर करी है उस पर्टिकुलर लिस्ट से इस कॉलेज को जरूर कंपेयर करें, उन सभी कॉलेजेस और इस पर्टिकुलर कॉलेज के प्लेसमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फीस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। और अगर आपको कॉलेजेस को डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स हम जल्दी से जल्दी क्लियर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसे लाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिरते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।